हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम 6 अप्रैल 2023 राजनीतिक विज्ञान के ऐसे पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 6 अप्रैल 2023 को आप सभी को हुबहू आपको राजनीतिक के पेपर में आप सभी को वो प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप सभी के लिए। 6 अप्रैल 2023 पेपर के लिए सभी प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर दें तो चैनल को सब्सक्राइब करके को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपनी सभी दोस्तों के साथ। और यहां पर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कौन से प्रश्न कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या आपके सामने 18 जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी आपके सामने से जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, और यहां पर 12 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव विकल्प वाले होंगे। फिर आपको 12 प्रश्न अति लघुत्रात्मक, लघुरात्मक आपको 13 प्रश्न, इस प्रकार से कुल लगभग जो यहां पर 27 या 28 जो यहां पर आपके सामने प्रश्न होंगे। कुल जो यहां पर पेपर होगा, यहां पर आप देख सकते हैं कुल 50 प्रश्न होगा और कुल जो यहां पर 80 मार्क्स का आप सभी का पेपर होगा। और इस प्रकार की ये आप सभी के लिए जो है लेसन वाइज, चैप्टर वाइज आपकी मार्किंग दी गई है। सबसे ज्यादा मार्क्स वाला जो लेसन यहाँ पर, दो लेसन है, एक तो है शीत युद्ध का दौर, एक है दो दुर्व्यता का अंत। तो ये काफी महत्वपूर्ण दो चैप्टर है। इस क्लास में हम संपूर्ण के संपूर्ण पेपर को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले आप सभी के सामने है सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था, यानी जो सोवियत जो संघ बनाया गया उसमें कितने गणराज्यों से जो मिलकर है सोवियत संघ का निर्माण किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर 15, ठीक है, 15 जो यहां पर गणराज्य थे, 15 स्वशासित जो गणतंत्र थे उनका एक संघ था। फिर जो है उस पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का जो है बड़ा एक नियंत्रण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 19 मार्च 2003 को अमेरिका के किस कूटनाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया था। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 6 अप्रैल 2023 राजनीतिक पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की जो सैन्य आक्रमण किया दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बात कर रहे हैं आशियान, ठीक है दोस्तों, आशियान, ठीक है, आशियान क्षेत्रीय दोस्तों मंच ARF की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही डीपली इसका यहां पर सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। तो 1993 में कब हुई थी दोस्तों, 1993 में दोस्तों ARF की क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है दोस्तों। यहां पर ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, केंद्रीय संस्थान है। क्या है दोस्तों, ARF दोस्तों है वो सबसे क्या है दोस्तों, पुराना है, सबसे बड़ा दोस्तों केंद्रीय संस्थान है। बात कर रहे हैं हम किसकी दोस्तों, आशियान की हम बात कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों। और यहां पर इसकी जो यहां पर पहली जो बैठक हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी दोस्तों, 1994 में हुई थी। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं ARF की जो दोस्तों पहली जो बैठक हुई 1994 में हुई, और आसियान जो क्षेत्रीय जो दोस्तों मंच है उसमें कितने जो यहां पर सदस्य देश है दोस्तों, तो 27 सदस्य देश है। इतना इसके जो रिलेट में आपको इतना यहां पर कंफर्म रखना है। 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, और आसियान का फुल फॉर्म, ठीक है, हम बात करें दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म, तो अब हम जानेंगे आसियान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो यहां पर एसोसिएशन क्या हो जाएगा इंग्लिश में दोस्तों, एसोसिएशन, ए से मींस बनता है एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है दोस्तों, ईस्ट एशियन, ईस्ट एशियन दोस्तों, एशियन इसका सही जो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में हम बात करें तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इंडोनेशिया के, यहाँ पर इसका जो मुख्यालय दोस्तों इंडोनेशिया है, उसकी जो राजधानी है दोस्तों जकार्ता, ठीक है दोस्तों जकार्ता, उसमें दोस्तों इसका क्या है दोस्तों हेड क्वार्टर है, मींस दोस्तों मुख्यालय है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, सभी के सामने क्वेश्चन से नेक्स्ट, फरक्का संधि दोस्तों किन देशों के बीच में हुई थी। फरक्का की दोस्तों संधि हुई थी, एक ट्रेटी हुई थी दोस्तों, जो कि भारत एवं बंगाल के जो है बीच में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें कितने देश सम्मिलित है या शामिल है दोस्तों। तो वर्तमान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, UNO, ठीक है, UNO यानी यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, और इसमें हमारा भारत जो देश है वो भी दोस्तों क्या है, सम्मिलित है दोस्तों, इन्वॉल्व है।
लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है उस किस संस्थान ने दोस्तों प्रकाशित की है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक जो है यहाँ पर रिलेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी अपने इस क्लास को सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्ब ऑफ रोम, ठीक है दोस्तों, लिमिट्स टू ग्रोथ दोस्तों जो पुस्तक है वो यहाँ पर जो है प्रकाशित की थी दोस्तों क्लब ऑफ रोम। विश्व की दोस्तों साझी विरासत जो है उसमें क्या शामिल दोस्तों नहीं है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका आंसर कि विश्व की जो साझी दोस्तों जो हेरिटेज यानी जो विरासत है दोस्तों उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है, क्या दोस्तों वायुमंडल नहीं है, क्या सड़क मार्ग नहीं है, क्या समुद्री सतह नहीं है, या फिर बाहरी दोस्तों जो अंतरिक्ष है वो दोस्तों नहीं है। तो इसमें दोस्तों क्या नहीं है दोस्तों, तो सड़क मार्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में नई आर्थिक नीति के दोस्तों जो संचालक है वो कौन है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीपी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सिंह। आप भारत में दोस्तों जो नई क्रांति की जो नीति की दोस्तों शुरुआत होती है वो दोस्तों कब होती है, ठीक है, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो जो कि यहाँ पर 1991 में दोस्तों क्या होती है इसकी यहाँ पर शुरुआत होती है, जो कि यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इसकी शुरू की गई और पहली बार दोस्तों पूरी अर्थव्यवस्था को इसी तरीके से दोस्तों क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने है कि नाथूराम गोडसे विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी जी को कितनी दोस्तों गोलियां मारी थी दोस्तों, तो यहाँ पर नाथूराम गोडसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नाथूराम जो गोडसे थे उन्होंने कितनी गोलियां मारी थी दोस्तों, तो महात्मा गांधी की हत्या थे ये तो कब दोस्तों 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी दोस्तों 30 जनवरी 1948 में, कब दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दोस्तों कहां पर, नई दिल्ली में, कहां पर दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों बिंदु रिक्त सीमा पर दोस्तों गांधी को तीन बार दोस्तों सीने में गोली मारी थी, तो तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में दोस्तों आम चुनाव कब हुआ, पहला दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का आम जो चुनाव होता है वो दोस्तों 1952 में होता है जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह जो है नियुक्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कितने बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सौदा बैंक निजी बैंकों का दोस्तों क्या किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों। कब किया गया, तो 19 जुलाई, कब किया गया था दोस्तों 19 जुलाई 1969 में दोस्तों किया गया था, ठीक है 19 जुलाई दोस्तों 1969 में किया गया था। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जय जवान जय किसान का दोस्तों जो नारा है वो किसने दिया था, जय जवान और जय किसान का दोस्तों जो नारा दिया था वो दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ये एक नारा दिया गया था। जम्मू एवं दोस्तों कश्मीर जो है उसको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों एक विशेष दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर दोस्तों 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद में विशेष दर्जा दिया गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाम सेप का दोस्तों जो गठन है वो कब किया गया, तो यहां पर 6 दिसंबर 1978 को दोस्तों क्या किया गया था दोस्तों, बाम सेप का गठन किया गया, बाम सेप दोस्तों न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने रिक्त स्थान है, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, 1984 में सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत की दोस्तों वो किसने की थी, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है उसने जो की थी दोस्तों, ठीक है मिखाइल गोर्बाचेव ने 1984 में दोस्तों सोवियत संघ में सुधारों की क्या की दोस्तों शुरुआत की, तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डर्बन दोस्तों कहां पर है दोस्तों, तो डर्बन जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में आया हुआ है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का क्या दोस्तों एक शहर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें दोस्तों अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी दोस्तों सदस्य कितने हैं दोस्तों 10 है और स्थायी सदस्य कितने दोस्तों 5 है, यानी कुल कितने सदस्य दोस्तों 15 सदस्य है जिसमें 10 अस्थायी है दोस्तों 5 स्थायी है। आ सकता है दोस्तों एक जो यहाँ पर 5 जो स्थायी सदस्य है उनके आप नाम बताइए, तो जिसमें चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो भी है, इस प्रकार से 5 दोस्तों स्थायी सदस्य है और इस संयुक्त जो राष्ट्र संघ का दोस्तों ये भाग है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका उद्देश्य दोस्तों शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों।
पोस्को प्लांट दोस्तों उस कहां पर स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में। कहां पर है दोस्तों, उड़ीसा में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं पीआरआई के शासन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों कि पीआरआई जो है उसके शासन को किस प्रकार का शासन कहा जाता है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं भारत में नई आर्थिक जो नीति है उसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, अति महत्वपूर्ण है। ऊपर हमने इस क्वेश्चन का यहां पर सोल्यूशन बता दिया गया है। वर्ल्ड सोशल जो फोरम है उसकी पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी, कहां पर हुई थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। भाषा के आधार पर दोस्तों सबसे पहले जो यहां पर गठन हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1956 को दोस्तों। भाषा के आधार पर क्या हुआ था दोस्तों, राज्यों का गठन हुआ। और जो पहला दोस्तों राज्य हुआ था, किस राज्य का दोस्तों निर्माण किया गया था, जो पहला दोस्तों राज्य था दोस्तों वो क्या था दोस्तों, यहां पर सबसे पहले यहां पर आंध्र प्रदेश, पहला दोस्तों भाषाई आधार पर विघटित जो है यहां पर प्रदेश था आंध्र प्रदेश। यहां पर नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, जो हड़ताल है ठीक है वो कब हुई। एक है दोस्तों आता है दोस्तों नाम NNF, उसका पूरा नाम इसको थोड़ा हम समझाते हैं दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों इसका। वैसे यहां पर एक होता है दोस्तों NFF, यहाँ पर NFF है दोस्तों यहाँ पर, तो जो कि नेशनल फार्मर्स फेडरेशन ठीक है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल फार्मर्स फेडरेशन ठीक है, ये इसका दोस्तों क्या है फुल फॉर्म है दोस्तों। ये एक ऑस्ट्रेली गैर लाभकारी सदस्यता आधारित दोस्तों संगठन है जो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों किसानों और कृषि क्षेत्र का दोस्तों क्या करता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है, तो काफी महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी दोस्तों स्थापना कब होती है ठीक है, तो 31 जनवरी दोस्तों कब होती है दोस्तों, 31 जनवरी 1992 में दोस्तों क्या होती है दोस्तों, यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों पहला जो यहां पर आयोग जो स्थापना हुई थी, आयोग का दोस्तों जो गठन हुआ था वो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। दूसरा जो आयोग का दोस्तों गठन हुआ, ये तो पहला था दोस्तों, लेकिन जब दूसरा आयोग का दोस्तों गठन हुआ, दूसरा जो कमीशन जो दोस्तों बना वो बना दोस्तों जुलाई 1995 में बना ठीक है, 1992 के ठीक 3 साल के बाद दोस्तों 1995 में बना, जिसके दोस्तों अध्यक्ष जो है, जिसकी दोस्तों अध्यक्ष बनी थी दोस्तों डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी। कौन बनी थी दोस्तों, मोहिनी गिरी को इसकी अध्यक्ष बनाया गया था। इस दूसरे आयोग जो है गठन जब हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग दूसरा जो गठन हुआ 1995 में, जिसकी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी को बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आसियान के जो सदस्य है वो कौन कौन से देश है, साप्टा दोस्तों क्या है ठीक है, साप्टा दोस्तों क्या है, एक व्यापारिक संगठन है ठीक है, साप्टा दोस्तों सुमेलित कीजिए दोस्तों, शरण सिंह, पीसी महाल, नोबिस दोस्तों, वर्गीज दोस्तों जो कुरियन है वो कौन है ठीक है, वर्गीज दोस्तों कुरियन वो कौन है दोस्तों ठीक है, तो वर्गीज कुरियन दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सहकारी डेयरी ठीक है। पीसी महालम जो यहाँ पर औद्योगिकरण आ जाएगा, शरण सिंह दोस्तों क्या थे, किसान थे, तो ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा। राम मनोहर जो लोहिया है उस पर विचित एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या आशय है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए प्रश्न है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कुछ जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निरस्त्रीकरण किसे कहते हैं, भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख जो घटक है उसकी आपको विवेचना करनी होगी। इस प्रकार का आप सभी का 6 अप्रैल 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक का पेपर रहने वाला है। आगे भी और भी जो है क्लासेस लगाई जाएंगी, अटेंड करवाई जाएंगी ठीक है, तो उन क्लासों को भी जरूर ज्वाइन करें। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल।